रंगों का त्योहार होली देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस बार यह पर्व 25 मार्च को आ रहा है। इस पर्व को लेकर अनेक प्रकार की किंवदंतियां भी जुड़ी हुई है। होली के दिन दान पुण्य करना भी विशेष माना गया है, लेकिन इस बार होली पर इन चीजों का दान भूल कर भी ना करें, नहीं तो हो सकती है आपके जीवन में आफत। और किन चीजों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, आइए जानते हैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी से। मैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी, राधा कृष्ण मंदिर मोड़मणिक समाज शाजापुर। आपने पूछा कि होली के दिन किन वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। होली पर जो दान नहीं किया जाता है उसमें प्रमुख रूप से जो जो चीजें आती है वो मैं आपको बताता हूं कि होली के दिन एक तो बिछुड़ी और चूड़ी का दान नहीं करना चाहिए। उसके बाद किसी प्रकार का स्वर्ण या चांदी का दान ये नहीं करना चाहिए। कुछ शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन सुवाक की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषणों का भी दान नहीं किया जाता है। वैसे तो होली के दिन बहुत सारी चीजों का नाम आते हैं जिसका दान नहीं किया जाता है। जैसे होली के दिन आप लोगों को वस्त्र के साथ साथ जैसे चरण पादुका होती है, चप्पल, जूते, इनका भी दान वर्जित बताया गया है। होली पर विशेष करके होलिका का पूजन करने के पश्चात ही इन चीजों का दान किया जा सकता है। साथ साथ में होलिका पूजन के बाद जो दान दिया जाता है उसमें मिष्ठान, पकवान या जो भी खाने की वस्तु होती है, कुछ लोग बेसन के भजिए और जलेबी का, इमरती का, मैदे की पूरी का, इनका दान करते हैं। और ये दान जो है लिंग पुराण के आधार पर किया जाता है। मेरा सभी धर्मात्मा लोगों से जो धर्म को धारण करके दान करने की इच्छा रखते हैं उनसे निवेदन है कि इस दिन जो दान करना चाहिए मैंने बताया उन्हीं वस्तुओं का दान करें, अन्य किसी और वस्तु का दान नहीं करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।